हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और सबको गोंद के लड्डू बहुत पसंद आते हैं, ये बहुत आसानी से घर पे बनाए जा सकते हैं। ये मैंने गुड़ के साथ बनाए हैं, इसलिए ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम इसकी रेसिपी जानते हैं। इसके लिए हमने घी लिया है, इसमें मैंने 2-3 चम्मच घी डालकर उसमें गोंद को थोड़ा सा कूट लिया है। इनमें क्या होता है, सारी चीज़ें आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। वैसे मैंने 3-4 चम्मच के करीब गुड़ लिया है, गोंद लिया है, और इसको मध्यम से लो आँच पर मैंने इसको भून लिया है। बहुत धीमी भी आँच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये फूलेगा नहीं, और बहुत तेज होगा तो एकदम फूल के जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। इसलिए हमको मध्यम आँच पे रखकर इसको तल लेना है और इसको निकाल लिया है। मैं 2-3 बैच में इसको थोड़ा थोड़ा करके तलूंगी, नहीं तो ये एकदम से चिपक भी जाते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा कूट भी लिया था, बहुत मोटा भी नहीं रखा, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। ठंडा करके उसको दोबारा से कूट लेंगे। अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको कर रही हूँ, इसको भी मैं 2-3 बार में तलूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बार के हैं, दूसरी अब इसको हम दबा के देख लेंगे, अगर अंदर से थोड़े कच्चे लगे तो दोबारा से इनको तल लेंगे। ये मेरे बिल्कुल सही हुए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। किशमिश को भी 1-2 सेकेंड डाल के हम इसको कर लेंगे, ज़्यादा पकड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, इससे ये टेस्ट में अच्छी हो जाती है। अब हम इसमें और उसमें करीब 1.5 कप के करीब घी डाला है मैंने, और इसमें आटा डाल के उसको भूनेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, घी भी आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, मीठा और ये सब। इसमें रेसिपी में आप सारे मसाले या सब चीज़ें अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, इसलिए बस इसका तरीका थोड़ा सा होता है वो देखने के लिए कि वे कैसे बना रहे हैं। इसमें अब हमने इस गोंद को थोड़ा सा कूट लिया है, ये बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मैं इसको भून रही हूँ। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का मैं पाउडर करूँगी और थोड़े से मैं दरदरे रखूँगी, और गुड़ को भी मैंने काट लिया है। मैंने मसाला गुड़ भी लिया है और सादा गुड़ भी लिया है, इन सबको मैंने तैयारी करके रख लिया। जब तक हमारा आटा भून रहा है, ये मैंने बारीक कर लिया है ड्राई फ्रूट्स और थोड़े कूट लिए, और इसमें इस स्टेज पर मैं 2-3 चम्मच के करीब सूजी मिला दूँगी। बहुत से लोग इसमें बेसन भी मिलाते हैं, लेकिन मुझे बेसन इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सूजी मिलाया है। सूजी जब भुन जाती है तो उसका क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सूजी मिलाई है। अब इसको घी छोड़ने तक हम इसको पका लेंगे। इसमें कम से कम 10 से 1 घंटा लग जाता है। मैं बहुत धीमी आंच पे भून रही हूँ, ये करीब करीब घी निकलने लगा है, देखिए फ्रेंड्स, और ये अच्छे से भुन जाएगा। नहीं तो अगर इसको अच्छे से नहीं भुनेंगे तो हमको फिर कच्चा कच्चा आटे का स्वाद आएगा, जो लड्डुओं में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और एक बार गुड़ डालने के बाद हम इसको पका भी नहीं सकते, इसलिए उसको हमको पहले ही पकाना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने अभी थोड़ा सा घी और डाला है, 1-2 चम्मच के करीब, जिससे कि ये आसानी से और भुन सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब इसको हम अच्छे से चलाते जा रहे हैं और इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना होगा। अब ये थोड़ा मोटा सा रवा भी होने लग गया है, इसका रंग भी डार्क हो गया है, ये मैं बार बार आपको उसको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये थोड़ा सा अब इसमें घी छोड़ने लगा है, तो इसका आटा भी थोड़ा सा मुलायम होने लग गया है, और ये करीब करीब अब घी छोड़ने में ही है। मुझे इसको चलाते हुए भी बहुत टाइम हो गया है, देखिए इसका रवा भी फूल के आ गया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी फैल रही है। अब करीब करीब इसका घी छूटने ही वाला है, पूरा घी छूट जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छे से हो गया है, इसका रवा भी थोड़ा और मोटा हो गया है आटे का, और इसका रंग भी डार्क हो गया, ये दिख रहा है कि पूरा हो चुका है। ये देखिए इसका घी भी बिल्कुल अलग हो चुका है, और ये गुड़, ये आटा बिल्कुल मुलायम हो चुका है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पूरा भुना हुआ आराम से दिखाई दे रहा है। इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन इसको खाने में मज़ा आता है। तेज़ आँच पर करेंगे तो इतना स्वाद नहीं लगता जितना कि धीमी आँच पर भुनने में ये स्वाद लगता है। ये देखिए अब हमारा करीब करीब पूरा तैयार है। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें पानी का छींटा मारूंगी। इसको मारने के लिए हमको थोड़ा पीछे भी होना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से ये ऊपर उठ के आता है, इससे इसमें बहुत अच्छी सी जाली पड़ जाती है और आटा थोड़ा फूल जाता है। ज़्यादा नहीं डालना, बस कुछ बूंदे 1-2 चम्मच के करीब डालना है। ये देखिए अब इसमें हम सारी चीज़ें, मैंने काली मिर्च पाउडर, सौंफ पाउडर, पीपली पाउडर, ये सब डाला है इसमें, इलायची पाउडर, ये सब भी मैंने इसमें पीस के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए है, एक साथ में ड्राई फ्रूट्स, कूटे ड्राई फ्रूट्स डाल के। अब मैंने इसको गुड़ को जो काट के रखा था वो भी डाल लिया, गरम गरम में डाल दिया है, मैंने कोई चाशनी नहीं करी, इसको ये अच्छे से पिघल जाएगा, इससे तो आटा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और ये अच्छे से
मिल जाएगा। हम इसको अच्छे से चला के मिलाएंगे तो उसमें हमारे लड्डू बहुत गीले भी नहीं बनेंगे और हमको अच्छे से स्वाद भी आएगा। इसमें पानी मिलाने से तो मेरे को चाशनी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, हमने गुड़ को अच्छे से इकसार कर लिया है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। गर्मा गर्म में ही बनाएंगे, बहुत ठंडा नहीं होने देना है, ये आसानी से बन जाते हैं जितना हमारा हाथ से हंसा के। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने सारे लड्डू भी बना लिए हैं और बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। सर जो ने आप भी बनाए, आनंद लें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे और भी रेसिपी बनाने में मज़ा आएगा, आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, आपकी रेसिपी आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये लड्डू देखिए कितने स्वादिष्ट बने हैं और आधा किलो करीब आटे से मैंने इतने सारे लड्डू बना लिए। धन्यवाद।